हमारे साथ जुड़ चुके बालाघाट के युवा नेता सलीम लहरी। सलीम लहरी नहीं, लहरी। हाँ सलीम लहरी जी, आपकी एज क्या होंगी? 53, इंग्लिश में 55। नेताजी आप बालाघाट के चुनाव जीत जाते हैं तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए भी, अगर हम बालाघाट के विधायक के चुनाव जीत जाते हैं तो बालाघाट में विकास की गंगा नहीं वैन गंगा बहा देंगे। अच्छा नेताजी, ऐसा क्या विकास करने वाले हैं वैसे आप? सबसे पहले तो हम कटंगी से गोंडिया के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे, वो भी हर 2-2 घंटे में। उसके बाद हनुमान चौक में जो जल भराव की समस्या है उसके लिए हम अमेरिका से टीम बुलाएंगे। नेताजी और क्या कराने वाले वैसे आप? और शहर में मेडिकल कॉलेज खुलाया जाएगा, वो भी 5,000 बेड का। उसके बाद बालाघाट से गोंडिया के बीच में ओवरब्रिज बनवाया जाएगा। और अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, जो हमें वोट देगा उसके खातों में 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं आप राजा लिल्लारे, मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं जब से होश संभाला है तब से मैं पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, वन्य प्राणियों को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, किंतु मुझे आज जान का खतरा है बालाघाट के एसपी समीर सौरभ से और बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से और रेत ठेकेदार राजेश पाठक से, क्योंकि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए कई दिनों से लड़ रहा हूं। और उसके उसी संबंध में मैं पिछले 2 अगस्त से एक बोनकट्टा घाट है, नदी घाट, वहां पर 30 जून से रेत का अवैध उत्खनन बंद हो गया है पूरे भारत में, और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लेटर जारी कर चुका है। उसके बाद भी वहां पर अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था, फोकलैंड मशीन से और डंपरों सीधी रेत भरी जा रही थी, जिसकी जानकारी मैंने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के व्हाट्सएप नंबर पर और समीर सौरभ एसपी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी थी। और कम से कम 3 से 4 बार मैंने उसको जानकारी वहां पर भेजी उनको, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और मैंने उनको फोन भी लगाया, उन्होंने मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया कि वहां चोरी हो रही है, आप चोरी को पकड़िए। अभी 30 तारीख में 30 अगस्त की तारीख में मुझे वहां से एक ताज़ा वीडियो प्राप्त हुआ और फोटो प्राप्त हुई। मैंने वो पूरी जो जानकारी है कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और समीर सौरभ के व्हाट्सएप नंबर पे दी। मैंने अपने नंबर से ना देकर किसी राधे श्याम घरंगिरे लड़के के नाम से नंबर से इसलिए दी कि मैंने 2-3 बार जब पूर्व में जानकारी दी थी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को और समीर सौरभ को, तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था, इसलिए मैंने दूसरे के नंबर से जानकारी दी थी। अभी 31 तारीख को उस लड़के को जिसके मोबाइल से मैंने जानकारी दी थी, उस लड़के को पुलिस ने उठाया, 2 दिन तक प्रताड़ित किया और एक रात उसको प्रताड़ित करके अंदर रखा और परेशान किया, और मुझे भी 31 तारीख से पुलिस ढूंढ रही है। मेरे पास कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, समीर सौरभ एसपी और राजेश पाठक रेत ठेकेदार, इनके खिलाफ पक्के सबूत है कि इन्हें किस तरह से इन्होंने रेत की अवैध चोरी की है और करवाई है, और उस सबूत को मिटाने के लिए मुझे समीर सौरभ ढूंढ रहा है। पुलिस वाले मेरे पीछे, कुछ पुलिस वाले लगाए हैं। 31 तारीख को मुझे नागरा ढूंढते ढूंढते एक अनिल सिंह करके एक कोसमी, अनिल सिंह कोसमी ट्रू कलर में उसका नाम आया था, उस पुलिस वाले को मुझे ढूंढते आया। मुझे वहां असहजता हुई, मुझे लगा कि ये मुझे मारने यहां पर आए हैं और सबूत मिटाने आए हैं, जो सबूत मैंने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और एसपी समीर सौरभ के खिलाफ इकट्ठे करके रखे हैं और राजेश पाठक के खिलाफ, वो सबूत मिटाने और मुझे मिटाने के लिए वो आए थे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर कहीं बाहर एक सुरक्षित स्थान पर आ चुका हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाए, देश के मुखिया तक पहुंचाए। प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि मैं अवैध रेत का उत्खनन करने वाले को 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ दूंगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रदेश के मुखिया से कि वो बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को और समीर सौरभ को और रेत ठेकेदार राजेश पाठक को कब 10 फीट गड्ढे के अंदर गाड़ रहा है। इस मामले में मैं इस प्रदेश के मुखिया से भी मिलने वाला हूं और उसके बाद में मेरी चर्चा, अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से भी करने वाला हूं। वो मुझे ठीक से जानते हैं, मैं भी उन्हें ठीक से जानता हूं। जब मैं हरिद्वार में गुरुकुल में अध्ययनरत था तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रखा है गिरीश कुमार मिश्रा ने और समीर सौरभ ने और राजेश पाठक ने। मेरा कभी भी कुछ भी हो सकता है, यदि मुझे कुछ भी होता है इसकी पूरी की पूरी जवाबदारी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, राजेश पाठक और समीर सौरभ एसपी की होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।